हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। उम्र दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है गुप्त रोग टू हर्ष राजपूत। तो हर्ष राजपूत की वीडियो है। गुप्त रोग जो है आजकल कई लोगों को होता है जिसका पता नहीं चलता, कई हमारे पास भी बैठे हुए हैं। तो हर्ष राजपूत की वीडियो है, फनी वीडियो भाई साहब। हो सकता है गाली गलौज भी हो, आप हेडफोन लगा सकते हैं या अकेले छुप छुपा के देख सकते हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, यूसुफ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क से धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। तो हमारा जो है जी आज का जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, वो है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि जो युद्ध चल रहा है इसके क्या मायने है। एक मिनट भाई साहब, ये बाल्टी बाल्टी लेकर कहाँ जा रहा है? इधर इधर ये जैसे कि मतलब हम इधर देखिए इनका चेहरा जो है वो देख के और इनका जो बाल्टी देख के हमने अपना मुद्दा ही बदल दिया, जो कि हमारा मुद्दा था रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध का। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम हमारा बिमलेश बिल्ला। बिमलेश बिल्ला जी, ये बताइए कि जो देश है उसमें बेरोजगारी का क्या सीन आपको लगता है? क्या है बेरोजगारी का देश में? बेरोजगारी तो बहुत है, लेकिन जो भी है चलो ठीक है। अब जो भी है चल रहा है ना, ये तो आपके पास है रोजगार? हाँ सर, ये छोटे मोटे काम कर लेते हैं, यही है रोजगार हमारा। तो जैसे कि आपने बाल्टी लिया, तो क्या आपने सामूहिक गांड धोने का कार्यक्रम शुरू कर दिया क्या? अरे ना सर, धोने धाने का तो काम ना, ये हमारा चिपकाने का काम। क्या चिपकाते हैं आप? ये सर पोस्टर है, पोस्टर चिपकाते हैं। पोस्टर चिप दिखाई, ये देखिए पोस्टर चिपकाने का बड़ा ही मतलब यूनिक काम है। बाल्टी में पोस्टर और गोंद लेके मतलब किस तरह से चिपकाते हैं ये देखिए। कोची के पोस्टर है जी, गुप्त रोगी मिले अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। डॉक्टर कमलेश भोसरत, ये कौन है जी? डॉक्टर कमलेश भोसरत गुप्त रोगों का सही कोर्स ले हैं? ये तो बड़ा मतलब यूनिक काम है। एलन मस्क के बाद वो आप ही हैं जो कि मतलब जो मानव सभ्यता को बचाने का काम। इस तरह का पोस्टर तो हम बहुत देखे थे, लेकिन कौन चिपकाता था ये देखे नहीं किए, यही आदमी चिपकाता था। मतलब बहुत बढ़िया है, इधर आइए तक मतलब यही काम आप करते हैं पोस्टर से चिपका जी। तो ये बताइए कि जो इस काम के अलावा क्या कुछ और भी काम करते हैं आप? ना सर, 2 महीने पहले IPL मैच चल रहा था तो उसको देखने में मजा आता था, अब तो वो भी खत्म हो गया। मतलब क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है, तो हमें कैसे आपके बारे में आपको बता रहे हैं जहाँ पे आप अपने ओपिनियन देके ऐसे अनु में आप पैसे कमा सकते हैं, जिसका नाम है प्रोबो। प्रोबो क्या है ये? प्रोबो जो देखिए एक वेबसाइट है जहाँ पे जो भी आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें आप ये ओपिनियन देके यस या नो में और आप कमा सकते हैं बहुत सारे रिवॉर्ड यहाँ पे। ट्रस्टेड होगा ये प्रोबो को 1 करोड़ से ज्यादा यूजर ऑलरेडी डाउनलोड करके यूज करके अपना ओपिनियन देके यहाँ पे पैसे कमाते हैं। अभी आपको दिखाते हैं जी ये जो प्रोबो ऐप है, ये देखिए जैसे कि क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है तो यहाँ पे क्रिकेट का क्वेश्चन है कि क्या इंडिया WTC 2023 फाइनल ऑस्ट्रेलिया का गेम जीतेगी? जीतेगा। तो आप इतने श्योर है ना, तो आप इसमें क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें जीतने के बाद पैसे कैसे निकालेंगे? ये पैसे निकालना बहुत आसान है, आप गूगल पे पेटीएम UPI और अन्य भी माध्यम से यहाँ पे आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ पे जाके अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेगा ₹25। तो जाइए जाके डाउनलोड कीजिए प्रोबो, ठीक है? जाओ तुम अपना देखो। और ये जो इनका पोस्टर है मतलब डॉक्टर कमलेश भोसरत गुप्त रोगों का सही कोर्स लें लुंगी बाजार चंडी चौक के पीछे, मतलब इस तरह का पोस्टर हमने देखा है, आपने भी देखा होगा रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड पे बहुत सारे जगह इस तरह का पोस्टर मौजूद होता है। लेकिन अब वो एकदम खोपचा में इन्हीं दुकान खोलता है, तो हम लोग अभी चल के देखेंगे कि मतलब किस तरह का ये लोग क्या करता है साला है, एकदम रात्रि में शाही कोर्स भी दे रहा है गुप्त रोगों का शाही कोर्स ले। तो ठीक है, ये हम लोग चल के भी आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह से इलाज करता है डॉक्टर कमलेश भोसरत जो है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धाकड़ न्यूज धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इलाज यहाँ पे होता है, तो वही हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। कमलेश भोसरत का देखिए टेंट यहाँ पे बगल में लगा हुआ है और हम आपको दिखाएंगे। मतलब मेरे अनुसार तो ये लोग जैसा ज्यादातर फ्रॉड टाइप होते हैं, क्योंकि 2-3 साल पहले हम दवाई लिए थे 5600 का रेलवे स्टेशन से और साला कुछ काम ही नहीं किया, तो यही सब होता है इन लोग का। तो हम लोग चल के दिखाएंगे, देखिए कि यहाँ पे व्यक्ति भी मंडरा रहा है, तो इससे बात करते हैं। देखिए गमछा पहना है तो मतलब क्यों आपने गमछा क्यों पहना, क्या कोरोना से बचने के लिए? भाग कर आ रहे हो, उधर आओ। क्या कोरोना से बचने के लिए आपने गमछा पहना है? नहीं, वो थोड़ा ऐसे ऐसे ही
मतलब नाम क्या आपका? बिट्टू कुमार। बिट्टू जी देखिए हम, अरे एडिट करवा देंगे, खोल दो कोई दिक्कत नहीं है, हम 6000 के जबरदस्त एडिटर रखे हैं, अरे ब्लर करवा देंगे, लगेगा कि इमरान हाउस में खड़ा है, तुम नहीं दिखोगे, खोलो गमछा कोई दिक्कत नहीं जी। तो बिट्टू जी ये बताइए कि कितना बढ़िया चेहरा है, कहाँ छिपा रहे हो, कहाँ से आए हो बिट्टू जी? चोचरी भागलपुर। चोचरी भागलपुर से आए हो बिट्टू, तो यहाँ पे किस तरह का इलाज कराने आए हो? वो थोड़ा सामान का। ये देखिए जो है बिट्टू कुमार जी चोचरी भागलपुर से आए हैं, और यहाँ पे जो कि लाभ बढ़ाने वाली दवा यहाँ पे लेके आए हैं जी। ये देखिए अगर यौन समस्या भाग जाता है और मतलब चेहरा छुपा के और किसी से इस तरह की घटनाओं के बारे में बात नहीं करता है, और उसी का फायदा ये वैद्य लोग उठाते हैं और उल्टा पुल्टा दवाई कुछ भी दे देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अंदर चल के कि क्या सीन है, इस तरह से इलाज होता है। आइए कैमरा मैन, आइए यहाँ पे कैमरा मैन, आइए लेके कैमरा बंद करवा दीजिए। नहीं नहीं, अरे ठीक है ठीक है। देखिए जो है ना कि हम लोग एकदम पॉजिटिव प्रमोशन करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत एकदम नहीं होगा भाई साहब, आप बातचीत कर लीजिए लेकिन कैमरा बंद करवा दीजिए। अरे देखिए कैमरा मतलब समझिए बंद है, उसको भूल जाइए। तो बताइए ना कि कब से इलाज कर रहे हैं आप? आधे घंटे से। अरे अभी नहीं मतलब कि जो कब से धंधा में है, कब से? भैया खानदानी पेशा है हमारा तो। अच्छा खानदानी, बिल्कुल भैया। तुम किस तरह से इलाज होता है? इलाज भैया हमारे दादा बहुत बड़े एक हकीम वैद्य थे। अच्छा। नजर से अंधे थे लेकिन रोगी की नब्ज पकड़ कर बीमारियां बता देते थे। अच्छा। उन्हीं से हमारे पिताजी ने यह धंधा सीखा और पिताजी से हमने सीख लिया। अच्छा मतलब ये खानदानी सीखे हो ना। तो इनका कहना है जो कमलेश भोसरा थे, इनका कहना है कि इनके दादाजी जो थे वो अंधे थे, वो नब्ज पकड़ के कोई भी बीमारी है वो बता देते थे लोगों का। तो ये अच्छा कमलेश भोसरा जी हमें ये बताइए कि जैसे अभी आपके दादाजी अंधे थे, नहीं देख पाते थे, तो कभी हुआ है कि मतलब किसी रोगी का नब्ज पकड़ने की जगह कुछ और पकड़ लिया? अरे भैया मतलब ऐसा अंधेरा में हो जाता है कभी कभी ना, तो यही है इनका सीन चल रहा है। तो ये देखिए बहुत सारी दवाइयां यहाँ पे लगी हुई है, कौन क्या करता है कुछ पता नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पे। अरे भैया क्या क्या हुआ? रुकिए रुकिए, नहीं नहीं ऐसे बिना परमिशन के आप आगे मत जाइए। अरे तीन कदम पे यार खत्म हो रहा है, झाड़ बराबर ही टेंट है, कहाँ जाएंगे हम आगे यार? इनको देखिए, आइए हम और दवाई दिखाते हैं। ये देखिए सब तरफ गर्म मसाला जैसा लग रहा है, आम का चेहरे का। तो देखिए इस तरह की दवाई यहाँ पे रखी हुई है बहुत सारी है, कौन क्या काम करता है कुछ पता नहीं है। डालो रखा है, कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? दवा लेने का। हाँ तो मैं इलाज कराना है, किस चीज का इलाज करा रहे हो? शीघ्र पतन का और थोड़ा छोटा है। शीघ्र पतन का और छोटा है? यार देखिए इसी तरह की बीमारियों में हमारा युवा का एकदम मति भ्रष्ट हो जाता है। कितना लंबर कर लोगे, बॉस बना लोगे? मतलब देखो खाली अफ्रीका वालों के छोड़ के ना जितना लोग है सबका मतलब छोटा ही होता है, मेरा भी वही समझो। तो टेंशन लेना ही नहीं है इस तरह की चीज में। इलाज पता नहीं कैसा करता है, कुछ दे रहे हैं पुड़िया यहाँ पे दिया गया है इनको। ये पुड़िया 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 भी है, काम करेगा इसे? बिल्कुल भैया बिल्कुल करेगा। अच्छा तो हमें बताइए कमलेश भोसरा जी कि इसके अलावा किन किन दवाइयों का, किन किन मतलब बीमारियों का इलाज करते हैं? तो या शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, पतलापन, टेढ़ा मेढ़ा, छोटा लंबा, मतलब बहुत बहुत वैरायटी है, वैरायटी का साथ ही साथ बवासीर, पेट में कब्ज और सब सबका नब्ज पकड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, नब्ज देख कर ही हम सारी बीमारियां बता देते। तो ये कमलेश कोई बीमारी हो नब्ज पकड़ के बता देते हैं। कस्टमर एक बाबू जी, क्या दिक्कत है भाई? दर्द उठता है तो थोड़ा सा बैठ जाता है। अरे लगता है बवासीर हो गई है तुमको? बवासीर है हाँ, बवासीर बता रहे इनके संकेत तो। मिर्ची मिर्ची होता है? हाँ मिर्ची की, अरे मिर्ची बहुत खाते हैं। ऐसा करिए आप मिर्ची खाना बंद कर दीजिए, ताजे ताजे फल फ्रूट खाइए, ठंडा पानी का सेवन करिए, दही दूध मट्ठा छाछ सब कुछ पीजिए, सारी आराम मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अभी आपके लिए दवाइयां लेकर आते हैं। तो इनको बवासीर है उसके लिए दवाई लेके बाबा जी जो हैं कि लेके आ रहे हैं दवाई, तो हम आ सकते हैं देखने का दवाई का प्रोसेस? नहीं भैया नहीं 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 देखिए ये नहीं समझ में आ रहा कि दवाई तो इधर रखा है तो उधर जाके बना कुछ रहा है, तुमको बवासीर है जी? तो कहला मिचाई इतना खाते हो, मत खाया करो ना, बैठे रहो यहाँ पे, आते देख इधर आओ, देखते हैं कि कहाँ जाता है जी। टेंटे पे टेंट है यहाँ पे, ये देखिए एक और इधर टेंट है, क्या हो रहा है?
अरे बहन जो देखिए यूट्यूब वीडियो देख के इलाज करा रहा है। कमाल का गेम है भाई। इस साला यूट्यूब वीडियो देख के इलाज करता है ये तुम। अरे भाई यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखाइए। इस सब एलोपैथी का दवा है जी साला। ये देखिए एलोपैथी के दवा कोई कूट के यहाँ पे मिश्रण बना के और आयुर्वेदिक के नाम पे बेच रहा है। यही यही हो रहा है जी इलाज खानदानी साला। हमको तो लग रहा है इसका दादा भी नहीं होगा बहनचोद। ये देखिए यहाँ पे यही जो लोगों पे उनके हेल्थ के साथ खेला जा रहा है जो एलोपैथी की दवाइयाँ है वही देखिए व्याग्रा और आगरा भी रखा है साला। ये देखिए शीघ्र पचन दोष कम जो भी है उसमें व्याग्रा साला कुछ के ही दे देता है खर्चा की। देखिए रुको बहन अभी तुमको बताते हैं। गया लोड़ा सेट्रोजिल ये देखिए दो दवाई को मिक्स करके हमने भी एक दवाई बनाई है। ये देखिए ये आयुर्वेदिक लौंडों का वीडियो देख के इलाज कर रहा है आदमी का है और एलोपैथी दवा को दे रहा है बना के कि हम आयुर्वेदिक बना रहे हैं। बहन चोर साला बैड बनेगा गई मार के चोर। कहाँ गया जी तुमको जी देख रहे जी। अरे गणिया मर जाएगा बता दो साला यहाँ से। एलोपैथी दवाई साला दे रहा है उल्टा पुलटा। यही होता है तो हम दर्शकों को कहेंगे कि थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और जो भी है अच्छे डॉक्टर और जो जो भी है डॉक्टर जो कि जिनके पास डिग्री भी है कमलेश भूषण नहीं कमलेश वाला तो इस तरह के लोगों से आप बच के रहिए और जहाँ भी इलाज करवाइए अच्छे जगह देख के इलाज करवाइए और देखते रहिए। धाकड़ नहीं हो धर्मेंद्र धाकड़ के साथ इसका टेंट में कबार के ले चलो जी हमने और आम का अचार भी है अंदर है मसाला भी सब ले चलेंगे। तुमको बवासीर बेटा तुम जाके मेडिकल में दवाई लो। नहीं सर इधर सब लेके चलते हैं जी। ये देखो इधर मिश्रण मसाला है कोई दवाई नहीं है सब जो किचन वाला मसाला है सब लेके चलते हैं हमने कल मुर्गा बना के खाएंगे। चलो जी वीडियो खत्म हो गए भाई। पहले तो हम सुनते थे कि पाकिस्तान में ये इस तरह के इश्तिहार लगते हैं ये पोस्टर लगते हैं बवासीर तो इंडियंस को भी है। बवासीर का इलाज मर्दाना ताकत बहाल शादी कोर्स खाए ताकतवर बन जाए ऐसे पोस्टर हम पढ़ते रहते थे जी जी। वो अभी तो काफी कम हो गए हैं लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा ही लगते थे। क्यों कम हो गए हैं? पहले से कम है पहले की निस्बत कम है। तो पहले तो बस में जाना था उधर लेकर चले जाते थे पोस्टर ऑनलाइन आके होंगे। हाँ ये चीज है ऑनलाइन भी आजकल लेकिन ये मसले मसाले ज्यादा बढ़ रहे हैं। ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है इतने मसले भी बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं सही बात है। तीन में से एक बंदे को तो लाजमी होती है। क्या होती है? बीमारी। अच्छा कमी वो कमी तो मैं तो कहता हूँ मैं तो सोच रहा था कोई डॉक्टर अच्छा होगा तो भाई मौसम का भी इलाज इससे करवा लेंगे क्योंकि मौसम भी इसी ऐसी गुप्त बीमारी में मुबतला है तो इसका भी इलाज मिल जाता तो ये साला वो कहते ना साला पैसा बर्बाद कैरी नाटी बोलता है कि मैं वो नहीं करना चाहता तो पैसा बर्बाद हमारी मेहनत है बर्बाद तो होता जान भी जाती साथ में नीम हकीम खतरा जान जान भी जाती पैसे तो जाते ही जाते साथ में जान भी जाती। इसी वजह से कई हकीमों के पास जा नहीं रहा। वो हकीम वो देसी बना हुआ था बखंडी था हकीम देसी था लेकिन दवाइयां वो अंग्रेजी दे रहा था वही तो बात है भाई। और वो भी निशाना जो है ना ठीक सिमट जा लगे उस वजह से यूट्यूब से ना रिसर्च करके दे रहा दवाई ये बात इसी वजह से तो तीन पीढ़ियां चला रही और ज्यादा रिसर्च थी उस भाई की। वो आधा घंटा पूरी वीडियो देखता है कि इसमें कौन कौन सी दवाई जाएगी उसके बाद वो इलाज ढूंढ कर लाता है। कमाल है। वैसे है ना एक मीम बना हुआ है वो पाकिस्तान में किसी ने अपना बाप मार लिया वो जी किसी ने पूछा तुमने अपना बाप कैसे मार कहता है मैंने ना यूट्यूब से ना देखा था वो दिल का ऑपरेशन। तो शुक्र है ये डाटा पूरा खत्म नहीं होता नहीं तो कब के चले जाते। और अक्सर देखा जाए तो भाई इस तरह की जो बीमारी होती ना ये खराबी होती है लोग जो है वो देसी डॉक्टरों के पास ज्यादा जाते हैं उसकी वजह कि अपने राज को पोशीदा रखना चाहते हैं तो ये चुपके चुपके से ना ये बखंडियों के पास हालांकि जाना बिल्कुल नहीं चाहिए भाई इससे कोई फायदा नहीं होता उल्टा नुकसान होता है कई लोग मरते हैं।
हमारे गांव में भी एक दो हकीम, एक हकीम है, ज्यादातर एक ही हकीम है, और वो अगर कोई थोड़ी बहुत किसी में खराबी हो ना, खुदा का शुक्र है अभी हमें तो कोई खराबी नहीं, मौजम कोई थोड़ी बहुत है वो क्या आपके कहने से वो मेरी खराबी दूर हो जाएगी या मेरे अंदर वो खराबी आ जाएगी? वो खराबी दवाई लेने से होगी भाई साहब, तो वो तो मैं नहीं दे रहा हूँ, डॉक्टर को चेक कराओ हो जाएगी दूर, कोई कमी है? डॉक्टर को चेक कराओगे तो भाई साहब जरूर दूर होगी, अगर हकीम को चेक कराओगे तो और बढ़ेगी। मैंने तो किसी दूर को नहीं होगी, वो तो भाई देसी दवाइयां वो पता नहीं क्या क्या वो चीजें बता दे क्या क्या नहीं नहीं रगड़ते नहीं बताना क्या रग, मुझे कोई पता है लेकिन वो कोई पीतल का कोई चांदी का कोई फलाद का चीजें वो रगड़ते हैं वही उसको रगड़ाई करते हैं, वो अच्छे से वो ना मारा जाए तो वो भाई सब बंदा खाए तो वो नुकसान दे चीजें होती हैं, अक्सर नुकसान होता है। हाँ अक्सर नुकसान होता है भाई इसमें, ये जो बखंडी बैठे होते हैं ना इनके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो हर्ष राजपूत की वीडियो में भाई साहब सबक भी था, फनी थी लेकिन सबक भी था, इनकी हर वीडियो में सबक ही होता है। हाँ मुआशरे पर तनकीद ही करते हैं ये, और हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंडिया में यही होता है भाई साहब, अक्सर यही होता है, लोग इन बखंडियों पर अपना पैसा भी जाया करते हैं और अपनी जान भी जाया करती हैं। ज्यादातर शॉर्टकट जो रास्ता जी, अगर वो अक्सर ना डरते हैं वो जब इनको अपना जाके पोशीदा राज या बीमारी ये जो बता सकते हैं तो मुस्तनद डॉक्टर को नहीं बता सकते, उनसे मशवरा नहीं हो सकता। दरअसल ये है ये जब इसके नब्ज चेक करते हैं वो फलां बीमारी भी आपको फलां बीमारी भी आपको, वो इतनी ज्यादा बीमारियां बहुत ही बंदा मेंटली तौर पे ना मुलव्वस हो जाता है। भाई साहब मैं बिल्कुल ठीक, मैंने कहा जब एक ना यहाँ पे हकीम बड़ा मशहूर था, मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, मैंने कहा भाई ये बंदा बड़ा मशहूर है, बड़े हकीम है, नब्ज कह के पकड़ के सारी बीमारियां पकड़ लेता है, आज चलते हैं चेक करवाते हैं इसको पकड़ते हैं। तो मैंने उसको बाजू दिखाया, कहता है कतरे कुतरे आते, मैंने कहा नहीं आते, कहता है सर चिकरते नहीं, वो जब तुम उठते हो सर घूमता है वो आंखों में वो नजर आते हैं, मैं कहा कुछ नहीं। अच्छा फिर वो तीन चार और बीमारियां गिनी कब्ज होती है नहीं, वो सारी चीजें जितनी भी उसने की ना, मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो उसने पता क्या किया, अच्छा ठीक है, वो जी वो चार पांच ना वो कागज के टुकड़े बल्कि 10-12 उसने रखे। अच्छा और उसके ऊपर वो पक्की सी वो दवाई सी डालना शुरू कर, मैंने कहा ये किस लिए डाले, मुझे बीमारी तो कोई है उसने कहा कि अब ये आया है तो इससे कुछ तो पैसे बटोरी लो, कसम से मेरा दोस्त के रगड़े हम उधर से। लेकिन तुमने भी झूठ बोला होगा। क्यों झूठ? कोई नहीं झूठ क्यों बोला, नहीं झूठ कौन सा बोला, मैं तंदुरुस्त फिट है इस तरह की कोई बीमारी नहीं। मैं नहीं मानता भाई साहब, जब आप बैठे बैठे ऊपर उठते हो ना भाई साहब तो आपका सर चकराने लग जाता है, आंखों में कम दूसरा दूसरा दिखाई नजर आता है, ये तो आपने मुझे कई मरतबा पहले भी तो भाई साहब ने चश्मा लगा रखा है, ये वो बड़ा निकाल अगर तारक को कम दिखाई देता है तो इसमें चश्मा चश्मा लगा दर्द होती है मेरी वो चोट की वजह से, वो फुटबॉल चोट जो लगी है घुटने में दर्द होती है मुझे, और दुनिया की कोई बीमारी नहीं। ये बीमारी तो आपको थी लेकिन आपने मुझे कई मरतबा बोला भी। अच्छा कौन सी बीमारी? ये जब तू बोलते है ना मैं जब बैठा रहता हूँ ज्यादा देर तक तो उठता हूँ तो सर भी चकराने लग जाता है और आंखों से धुंधला दिखाई देता है, वो 2-4-5-10 क्यों इसकी बॉडी में ब्लड नहीं है? नहीं है। अच्छा मैं अभी आप लोगों के सामने बैठ के नहीं है अभी तुम और पता चल जाएगा कि भाई बंदे में दम है या नहीं। सिर्फ उस हकीम को आपने गलत साबित करने के लिए वो आपने झूठ ही बोला ना, ऐसी कोई बात नहीं भाई। मैं फिर क्यों थे उधर ऐसे ही, मैंने कहा ऐसे कौन जाता है कोई बीमारी नहीं चेक करने के लिए कि बखंडी है कि इसके पल्ले कुछ है भाई, हम कोई स्पेशल थोड़ी गए थे, मैंने दोस्त के साथ था, हम भाई स्विमिंग पूल पे जा रहे थे नहाने के लिए, हमने कहा चलो इसकी फिरकी लेते हैं तो फिर की ली हमने भी। अच्छा अच्छा तेरे ख्याल से ये ठीक होते हैं ये जो नीम हकीम है? तकरीबन काफी हद तक ठीक ही होते हैं, काफी हद वो कोई समझ अच्छा जिसने कोर्स किया और एक्सपीरियंस हो वो ठीक होता है, हर मुस्तनद कोई हो ना, लेकिन जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि दूसरी दवाई इस्तेमाल करें,
हाँ, अगर जो देसी टोटके होते हैं वो काम के भी बड़े होते हैं क्योंकि इनके साइड इफेक्ट कम होते हैं, लेकिन देसी दवाइयाँ क्योंकि इनकी जो होती है ना ज़्यादा नुकसान किस लिए होता है क्योंकि ये इनकी प्रॉपर मिकदार का पता नहीं होता। अब अंग्रेजी दवाई है तो उसमें लिखा होता है ये कितने वो कितनी इसकी वो कितनी दवाई लेनी है, कितनी मरतबा दिन में लेनी है, गोली वो पूरे साइज की बनाई होती है, वेट के हिसाब से सारा जितनी जरूरत होती है इंसानी बॉडी को उस हिसाब से उन्होंने बनाई होती है, रिसर्च कर इसके अंदर और जो कुछते वगैरह डॉक्टर इसकी पावर बढ़ा देते हैं वो साइड इफेक्ट वो लेकर आती है और कुछ भी। तो ये जो बनाते हैं ये तो भाई अपने आप ही गोलियां बनाते हैं, कोई छोटी बन गई कोई बड़ी बन गई, ये भी तो ये ऐसा काम करते है ना ज्यादातर जल्द जो ना बीमारी वो ठीक हो जाए वक्ती तौर पर, लेकिन बाद में उसका साइड इफेक्ट वो जो बनाते हैं दूसरी जो होती है डॉक्टरी जो अदैत होती है वो नॉर्मल सी होती है, वो ऐसा ऐसा बीमारी के ऊपर हैवी होती है, लेकिन ये यकदम से होता है। अच्छा, इसी वजह से लोग इधर से जाते हैं, मैं मुझे यकदम से रहा हूँ। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से ना इन लोगों से बचना चाहिए, इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए बिल्कुल। और बाकी जो कुदरती चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, शायद अच्छी चीजें इस्तेमाल करें वो इस तरह की जड़ी बूटियां जो खुद से इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो अक्सर नीम कीम जो होते हैं इनसे बचना ही चाहिए, या फिर फायदे का पता हो कि भाई इतने सालों से ये काम कर रहा है तो वो हो सकता है। से तो वो कर रहे हैं बेचारे तब से कर रहे हैं, ये भी है एक्सपीरियंस देख उनका। तो ठीक है भाई, अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें, कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए जो पाकिस्तानी है जिनको आगे भी बीमारी और पीछे भी बीमारी है, अब तो इंडियन को भी है भाई पता चल गया, आगे भी और पीछे भी भाई है अपने उधर भाई साहब इशारे लगे देखे। हाँ, मैं बोलता हूँ एक को थी बीमारी बवासीर की आया मैंने थे, एक का छोटा था वो भी इलाज करवाने, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये अक्सर डाउट होता है तो भाई साहब ये वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी सिस्टम है देसी कीम वाला, उधर भी लाल मिर्चें ज्यादा खाई जाती है, हाँ स्पाइसी खाने। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ये नबज पकड़ के जो बता देने वाली बात है ना, ये नबज पकड़ने से कितनी बीमारियों को पता चल जाता है, सिर्फ ये पता चलता है कि बंदा जिंदा है कि नहीं है नहीं, इसमें कौन सी बीमारी का पता चलता है, ये कैसे पकड़ लेते हैं बीमारी को, हमें अजीबोगरीब बात है भाई साहब, ब्लड की सर्कुलेशन होती है यहाँ से चेक, ब्लड प्रेशर और इसके अलावा क्या चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक हो गया, ब्लड प्रेशर चेक हो गया, यही चीज चेक होती है, यही दो काम हो सकते हैं और तो नहीं है, पता नहीं उनका कैसा एक्सपीरियंस है जब कैसे वो जज कर देते हैं, आजकल तो भाई साहब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई हो सकता है रिपोर्टें हो जाती हैं जी बिल्कुल, वो अल्ट्रासाउंड करके अंदरूनी सारी बीमारियों को पता चल जाता है, अगर नब्ज से पता चल जाता होता तो इतनी एडवांस मशीनरी की क्या जरूरत, सही बात है जी, वो किसी को गुर्दे के मसला हो नब्ज चेक करके पता चलता कि ये गुर्दे की प्रॉब्लम से बिल्कुल, इसमें कितनी पथरी है कितने एमएम की पथरी है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल तो अच्छा इनके पास दवाई एक ही होती है, वो हर तरह के बीमार लोगों को वो ही देते रहते हैं क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास डिग्रियां नहीं होती भाई साहब, जाली डॉक्टर होते हैं यही तो बात कर रहे हैं, इनके पास ना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कब्ज वाली पक्की होती, हाँ जो लोगों की कब्ज दूर करती है, इसके इनके पास ज्यादातर हकीमों के पास कौन से जाते हैं मरीज, एक तो मेदे वाले जो मरीज होते हैं जिनको कब्ज की वजह पक्की देते हैं चूरन देते हैं हो जाती है कुछ ठीक, फर्क पड़ता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वैसे किसके आपके हिसाब से मौसम की खराबी है या नहीं, क्योंकि अगर ये सही होता तो शादी करा लेता, सवाल तो बनता है भाई, सवाल सारा जी, या फिर ये हिस्ट्री बनाना चाहता है कहीं, तुम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को देख के तो इंस्पायर तो हो सकता है, इधर धरती के ऊपर बोझ क्यों बढ़ा है, अच्छा बोझ हो गया तुम्हारी, असल में तो बोझ असल में ये अपनी नस्ल नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि कैसे इसके हिसाब से ये ना पाकिस्तान का सबसे बेकार तरीन बंदा है, असल में वजह पता है क्या है, मेरी बात सुनो, आप लोग भी पाकिस्तान के अंदर जलील हो रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को लेकर आए उनको भी जलील करवाना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी आने वाली नस्लें जलील हो, क्या बात है भाई, ये अच्छा लॉजिक है जी, अच्छा लॉजिक, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ और मोदी ने शादी नहीं की कि उनकी नस्ल जो है और मैं पाकिस्तान का साथ मेंशन किया है, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी गलती हो गई, मैं कह रहा हूँ शायद इसीलिए ना किया हो क्योंकि ये सोच भी होती है ना, हाँ अगर कर दो मैं बैठ चला जाता हूँ फिर कुछ सोचूंगा,
उधर तुमको कोई मुंह ना लगाए तो इधर से उधर वो कल एक वीडियो देख रहा था कि एक ना पाकिस्तानी न्यूज एंकर से लगे हुए अच्छा। वो एक लेडीज थी और एक साथ में बंदा था, वो कह रहा था सऊदी अरब में के कितने इतने 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 बड़े केले होते हैं और सिंध में इतने और लेडी हंसना शुरू हो गई। तो ये बात है वैसा बाहर जाओगे तो तुम्हारा ना मूंगफली वहां पर काम नहीं आने वाली, ये रखना ऐसा ना तुम्हें मुंह ही ना लगाए, एक दफा चेक करेंगे कहेंगे भाई साहब जात तू तेरे साथ। तो भाई साहब और थोड़ी ही है उधर, वो भी यही तो करना है, पैसा चाहिए बस और क्या। वो भी यही बोला कि भाई साहब जा तू साडे काम दे नहीं। तो ठीक है भाई, अपनी रात रुक देगा कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।